पिंकी नाम की लड़की का नया नया कॉलेज में एडमिशन होता है। कॉलेज गांव से दूर होने की वजह से पिंकी को कॉलेज के हॉस्टल में रुकने का फैसला करना पड़ता है। बेटा पिंकी, तू अकेली हॉस्टल में कैसे रहेगी? ओ मम्मी, अब मैं छोटी नहीं रही, आप मेरी चिंता मत करो। फिर पिंकी हॉस्टल पहुंच जाती है। उसे वहां एक कमरा मिल जाता है। फिर रात होने पर अचानक, अरे ये खिड़की कैसे खुल गई? फिर पिंकी खिड़की बंद करके दोबारा लेट जाती है। थोड़ी देर में उसकी चादर कोई खींचने लगता है। कौन है? फिर पिंकी लाइट जलाकर देखती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैं पहली बार घर से आई हूँ, इसलिए मुझे वहम हो रहा है। चलो सो जाती हूँ। वह फिर से लाइट बंद करके लेट जाती है। फिर कुछ देर बाद भूतिया आवाज आती है पलंग के नीचे से। पिंकी। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। कौन? पिंकी फिर से झट से उठकर लाइट जलाती है और पलंग के नीचे डरते डरते देखती है। उसे कुछ नहीं दिखता। उफ, मैं भी ना, लगता है मुझे इन सब चीजों को इग्नोर करके सो जाना चाहिए, मुझे बस वहम हो रहा है। फिर जैसे ही पिंकी उठती है, उसकी चीख निकल जाती है। उसके पलंग पर एक खतरनाक चुड़ैल बैठी होती है। मैं कोई वहम नहीं हूँ। चुड़ैल जी, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं तो गांव की एक सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे जाने दो चुड़ैल जी। मुझे तू चाहिए। फिर चुड़ैल पिंकी के शरीर के अंदर घुस जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है। फिर अगली सुबह होने पर पिंकी अपनी क्लास में जाती है। उसकी आंखें एकदम लाल रहती हैं। उसकी आवाज बदल जाती है और वो बहुत गुस्से में रहती है। पिंकी इंग्लिश की टीचर अनुष्का मैडम के पास जाती है। मैडम, मुझे इंग्लिश में कुछ डाउट्स हैं, क्या आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे देंगी? क्यों, क्या मैं तुम्हारी ट्यूशन टीचर हूँ? मुझे अभी कुछ काम है, चलो निकलो यहाँ से। दिख नहीं रहा, मैं अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ। जी हाँ मैडम, दिख रहा है। और वह मैडम का फोन छीन कर जमीन पर पटक देती है। तेरी ये हिम्मत, रुक अभी बताती हूँ तुझे। फिर पिंकी चुड़ैल में बदल जाती है। कौन हो तुम? मैं हूँ तेरा काल अत्याचारी मैडम। यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती है या वीडियो कॉल करने, मुझे तू नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। फिर जैसे ही मैडम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्लास का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। मैडम चुड़ैल के पैर पकड़ लेती है। मुझसे क्या गलती हो गई चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी किसी की बच्ची थी, मेरे बारे में नहीं सोचा, आज तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। पर मैंने क्या किया है चुड़ैल जी? टाइम आने पर पता चल जाएगा। फिर वह चुड़ैल मैडम को मार देती है और फिर से पिंकी के रूप में आकर वहां से निकल जाती है। शाम होने तक पूरे कॉलेज में मैडम की मौत होने से दहशत फैल जाती है। अरे पिंकी, आखिर हमारी मैडम को किसने इतनी बेरहमी से मारा होगा?
पिंकी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, यह पिंकी तो इतनी हंसमुख थी, आज कैसा व्यवहार कर रही है। फिर पिंकी अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगला दिन होने पर पिंकी को मैथ टीचर रामकुमार अपने कमरे में दिखता है। मैथ टीचर रामकुमार जी? हाँ बोलो पिंकी, क्या बात है? सर मुझे मैथ्स में कुछ डाउट्स है, क्या आप क्लियर कर देंगे? क्लास में कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल बन जाती है। पिंकी को देखकर रामकुमार के पसीने छूट जाते हैं और वह कांपने लगता है। कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बताओ तुम्हारे क्या डाउट्स हैं, अभी क्लियर कर देता हूँ, मुझे माफ कर दो। डाउट्स क्लियर नहीं, आज तेरे पाप क्लियर होंगे जुल्मी टीचर। फिर चुड़ैल उसे मार देती है और पंखे से लटका देती है। फिर वह पिंकी के रूप में आकर वहां से निकल जाती है। उसे निकलते हुए मीनू देख लेती है। पिंकी, ए पिंकी, पिंकी। पर पिंकी उसकी आवाज नहीं सुनती और वहां से निकल जाती है। फिर मीनू रामकुमार के कमरे में झांक कर दिखती है। उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या हो रहा है हमारे कॉलेज में, कल मैडम और आज सर का ये हाल आखिर हो कैसे गया? मैडम का तो मुझे पता नहीं, पर लगता है सर ने मैडम के दुख में फांसी लगा ली। मीनू क्या तुमने कुछ नहीं देखा? सबसे पहले सर की लाश तुमने ही देखी थी। देखा तो मैंने पिंकी को था, पर मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पहले मुझे खुद से पक्का करना होगा कि इन सब के पीछे कौन है, तभी कुछ बोलने का फायदा है, कहीं पिंकी मेरी जान की दुश्मन ना बन जाए। पता नहीं मुझे, मैं यहाँ से जा रही थी तब मैंने सर की पंखे से लटकी लाश देखी और मेरी चीख निकल गई। फिर अगले दिन पिंकी साइंस की टीचर गरिमा के कमरे में जाती है। उसका पीछा मीनू कर रही होती है। पिंकी टीचर के कमरे में घुस जाती है। मीनू खिड़की के पास छिप जाती है और सब कुछ देख रही होती है। गरिमा मैडम, मुझे कुछ डाउट्स थे, क्या आप हेल्प कर देंगी? नहीं, निकलो यहाँ से, मेरा वैसे ही दिमाग खराब है, पता नहीं सारे टीचर्स को क्या हो रहा है, भगवान जाने कब किसका नंबर आ जाए, जाओ यहाँ से। फिर टीचर अपनी अलमारी की ओर मुड़ जाती है। आज तो तुम्हारा नंबर आ गया मैडम। फिर जैसे ही टीचर पीछे मुड़ती है, पिंकी एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसको देखते ही मीनू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और टीचर थर थर कांपने लगती है। तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना और तुम यहाँ बैठ कर दिन भर आराम करती हो, आज मैं तुम्हें ठीक से ही आराम करवा देती हूँ। फिर चुड़ैल मैडम का गला दबाकर उसे मारने लगती है। पीछे से मीनू आकर एक रस्सी से चुड़ैल को बांध देती है। चली जा मीनू, मुझे खोल दे, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, तू चली जा यहाँ से। थोड़ी देर में वहाँ सभी कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं। नहीं, तुम कौन हो पहले ये बताओ, मेरे पापा एक सिद्ध तांत्रिक हैं, मैं उन्हें बुलवा कर तुम्हें भस्म करवा दूंगी, बताओ तुम टीचर्स को क्यों मार रही हो? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं बताती हूँ, मैं इसी कॉलेज में 5 साल पहले पढ़ती थी, पर मैं पढ़ाई में कमजोर थी और ट्यूशन नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि मेरे माँ पिता गरीब थे। मैंने कई बार इन टीचर्स की हेल्प मांगी मुझे पढ़ाने में, पर किसी ने नहीं मेरी हेल्प की और मैं फेल हो गई। फेल होने की वजह से मैंने फांसी लगा ली और मैं चुड़ैल बन गई। तब से मैंने प्रण ले लिया कि मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। ये सभी टीचर मेरी और मेरे जैसे कई बच्चों की मौत के कारण हैं। अच्छा, पर इन्हें मारने से तो कई और बच्चों का जीवन अंधकार में चला जाएगा ना? आप सभी टीचर्स इनसे माफी मांगे और पिंकी को आजाद कराएं और वादा करें आप कमजोर स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। फिर सभी उस चुड़ैल से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं। फिर वह चुड़ैल पिंकी का शरीर छोड़ देती है।